सभी के शुभोदय बच्चों, मैंने लास्ट क्लास में आपको वर्णमाला मात्राएं आधा अक्षर संयुक्त अक्षर द्विअक्षर वचन लिंग के बारे में समझाया, सभी को समझ में आ गया बच्चों। आप भी आपको होमवर्क करके आपको व्हाट्सएप करना है, आपका काम है बच्चों। व्हाट्सएप करने के समय आपका नाम क्लास यहाँ पे राइट एंड सेंड, ओके आप भूल जा रहे हैं, आप व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, व्हाट्सएप के नीचे आप व्हाट्सएप के नीचे क्या करना है, नाम कक्षा और जो नेम क्लास लिख के भेजे तो आसान हो जाता है। और आप भी थोड़ा व्हाट्सएप होमवर्क करना है, आपका काम है डेली होमवर्क काम करने हैं। सो पाठ पढ़ा रहे हैं, आप सुन रहे हैं, समझ में आए नहीं आए, अब फिर से आपको थोड़ा रिवाइज करने के लिए होमवर्क है, होमवर्क भी करके भेजना आपका काम है बच्चों। आप भी थोड़ा अच्छे से ट्राई करो, ओके ना। और लिखने के समय आपका हैंड राइटिंग भी सुधार हो जाता है, आपकी हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट आ जाएगा बच्चों। बेसिक्स परफेक्ट आए तो आपको पढ़ना भी आसान बन जाता है, और भी लेसन शुरू होने पर लेसन पढ़ो बोले तो आराम से पढ़ सकते हैं और आराम से लिख सकते हैं, बोलो बोले तो आराम से बोल सकते हैं। इतना ही है बेसिक्स परफेक्ट, आपको फोर्थ फिफ्थ सिक्स में पढ़े लेकिन फिर से ही आपको लिखे तो आसान बन जाते हैं बच्चों। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, आप भी होमवर्क फिर बड़ी होमवर्क एंड सेंड इट व्हाट्सएप, ओके ना। सो सेवंथ क्लास बच्चों, एवरीबॉडी हैव टेक्स्ट बुक्स, आपके पास टेक्स्ट बुक है ना, सो टेक्स्ट बुक नहीं तो टेक्स्ट बुक खरीदना आपका काम है, एवरीबॉडी शुड बाय टेक्स्ट बुक, ओके। व्हाटएवर इट मे बी, फर्स्ट लेसन लेसन शुरू होने के बाद आपका बच्चों आपका मन क्या करने का कहता है बच्चों, सिक्स्थ क्लास में फिफ्थ क्लास में क्या पढ़े आपको, सेवंथ क्लास में बच्चों आपका मन क्या करने को कहता है बच्चों। आज का लेसन क्या है, मन करता है, आज का पाठ का नाम क्या है, मन करता है। सो पहला पाठ का नाम क्या है बच्चों, मन करता है, पहले पाठ का नाम क्या है, मन करता है, मन करता है बच्चों। आपका मन क्या करने को कहता है, आपका मन, सभी बच्चों रहते अलग अलग बच्चे रहते हैं, सो अलग 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 बच्चे अलग 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 बैठते हैं और अलग अलग सोचते रहते हैं। सो अलग अलग बच्चे, एक ही बच्ची की तरह जैसा वैसा ही सब बच्चा ऐसा नहीं रहते हैं। और बच्चों आपका मन थोड़ा अलग करने के लिए चाहता है। सो बच्चों सुरेंद्र विक्रम ने एक कविता में बताया कि बच्चों की मन क्या करने के लिए चाहता है, बच्चों के मन क्या करने के लिए चाहता है। कविता है, कविता पाठ है, कविता पाठ कंपल्सरी गीत की तरह गाने के लिए कोशिश करना है। कविता मतलब गीत, गीत की तरह कविता है, एक कविता पाठ है, हम कहते हैं कविता पाठ, विदा विच टाइप ऑफ लेसन है, कविता पाठ है, विदा विच टाइप ऑफ लेसन, विदा विच टाइप ऑफ लेसन, कविता पाठ है, कौन सा पाठ है, कविता पाठ है, गीत की तरह गाने के लिए सॉन्ग, फिर बड़ी सुर सिंह सॉन्ग, ओके ना। सो ट्राई करो, एटलीस्ट ट्राई करो, कविता पाठ गीत की तरह गाए तो आपको याद रहेगा और आसान बन जाता है। और मन करता है बच्चों में, मन करता है कि कविता है, कवि का नाम, कवि, कवि का नाम सुरेंद्र विक्रम। देखो आपको टेक्स्ट बुक खोल के आपको आराम से देख लीजिए, टेक्स्ट बुक के कविता के नीचे सुरेंद्र विक्रम, कवि का नाम क्या है, सुरेंद्र विक्रम, कवि का नाम क्या है, सुरेंद्र विक्रम। बार बार बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको, बार बार पढ़ा रहा हूँ आपको, सुरेंद्र विक्रम कवि का नाम क्या है, कविता में कवि का नाम भी लिखना है, सुरेंद्र विक्रम कवि का नाम क्या है, सुरेंद्र विक्रम कवि का नाम क्या है, सुरेंद्र विक्रम। सो कवि लिंग बदलो, कवियत्री, सो जेंट टाइप सुरेंद्र विक्रम, और कवियत्री बोलो तो लेडी, कवियत्री बोलो, कवि कवियत्री, तो कवि कवियत्री। स्टोरी को, कहानी को तो लेखक लेखिका रहते हैं, लेखक लेखिका। कविता पाठ है पद्य भाग, पद्य भाग मीन्स पोएम, सो पद्य भाग है ना, कवि कवियत्री रहते हैं, कवि है सुरेंद्र विक्रम, कवि है, कवि कवियत्री। पद्य भाग को गद्य भाग को लेसन को कहानी को लेखक लेखिका रहते हैं, ओके ना। समझ में आ गया बच्चों, आपको लेसन इंट्रोडक्शन देख लीजिए, आप अपने टेक्स्ट बुक खोलो पेज नंबर 1, एवरीबॉडी शुड ओपन योर पेज नंबर 1। सो खोल के देखना है आपको पिक्चर में क्या समझ में आया, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, चित्र में
क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? मन करता है गंगा में कभी आपको चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? देखो आपको चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? पैरा सेट से बच्चा क्या कर रहे है? नीचे उतर रहे हैं और सूरज दिख रहे हैं, तारे दिख रहे हैं। तारे मतलब स्टार्स, सूरज मतलब सन, सूरज मतलब सूर्य, सन ओके ना। तो तारे मतलब स्टार्स, पतंग पतंग है, पतंग दिख रहे हैं ना, पतंग। पतंग कैसे रहते हैं? रंग बिरंगे रहते हैं। पतंग कैसे रहते हैं? पतंग धागे के सहारे से, धागे के सहारे से आसमान में उड़ाए जाते रहते हैं, उड़ाते रहते हैं ना। सो पतंग धागा के सहारे उड़ाए जाते हैं और पतंग रंग बिरंगे होते रहते हैं। पतंग कागज से बनते हैं, कागज से बनाते रहते हैं। और देखो एक छतरी के नीचे एक बच्चा है और फूल दिख रहे हैं, पत्ते दिख रहे हैं और थोड़ा आसमान दिख रहे हैं और इसी तरह अलग अलग दिख रहे हैं। पूर्ण ऐसे सूरज चमक रहे हैं, चमकना मतलब चमकना मतलब शाइनिंग, सूरज किरणों, सूरज से डीपी में मिल रहा है ना, सूरज चमक रहे हैं। चमकना मतलब वही क्रिया, उड़ना चमकना ओके ना। रैकेट से उड़ रहे हैं, उड़ना क्या है? एक बच्चा लेके रैकेट के ऊपर बैठ के उड़ रहे हैं आसमान, आसमान की ओर। सो उड़ना मतलब क्या है? उड़ना मतलब फ्लाइंग, ये भी वर्ब है, क्रिया है। हिंदी में आपको पार्षद शब्द भेद आठ प्रकार के होते हैं, हिंदी में पार्षद शब्द भेद आठ प्रकार के होते हैं, शब्द भेद आठ प्रकार होते हैं। मैं आपको व्याकरण के पाठ में समझाता हूँ, उड़ना क्रिया है और चमकना क्रिया है, उतरना भी क्रिया है ओके ना। ऐसा फूल खिलना कोई भी है वो भी खिलना, फूल खिलाते हैं ना, फूल फूल खिलना वो भी क्रिया है ओके ना। ये पूरा क्रिया है, उड़ना खेलना कूदना पढ़ना जाना आना, ये पूरा क्रिया है। क्रिया मतलब किसी काम करना या होने वाला शब्द हो, परिचय से जाने मतलब क्रिया ना, किसी काम करना या होने वाला शब्द को क्रिया कहते हैं। सो पढ़ना क्या है? मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ना क्या है? क्रिया है। मैं खेल रहा हूँ, खेलना क्या है? क्रिया है ओके। मैं जा रहा हूँ, जाना क्या है? क्रिया है। सो रहा हूँ, सोना क्या है? क्रिया है। इसी तरह चित्र में आपको सूरज दिख रहे हैं, प्यारा सूरज से एक बच्चा उतर नीचे उतर रहे हैं, रैकेट के ऊपर एक बच्चा बैठ के उड़ रहा है आसमान को, तारे चमक रहे हैं, चमकना क्रिया है, पतंग उड़ाया जा रहा है, उड़ाना क्रिया है। ऐसा आपको चित्र में दिखाई दे। लड़के क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, उड़ रहा है, उतर रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं, लड़के एक से दूसरे ऐसा खेल रहे हैं। ये एक दूसरे से क्या बात कर रहे हैं? हम तो बहुत खुशी से खेल रहे हैं। और बच्चों आप क्या करने के लिए आपकी मैदान में खेलने के लिए इच्छा चाहता है? आप भी ऐसा खेलने के लिए उतरने के लिए आसमान की सूरज की तरह आसमान में आसमान में ऐसा उड़ने के दौड़ने के लिए चांद की तरह अकड़ दिखाने के लिए। सब बच्चों आपकी मन अलग अलग करने के लिए चाहता है, ये चित्र में ये दिखाई दे रहा है। चित्र आप भी देखने के बाद थोड़ा आप भी थोड़ा बोलने के लिए ट्राई करो, ये रिकॉर्डिंग क्लासेस है ना, आप भी आप अपने टेक्स्ट बुक देख के आप भी थोड़ा ट्राई करो, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, क्या समझ में आ गया आपको। चित्र देखने के बाद थोड़ा सा थोड़ा लिखने के लिए आपको भी आपको कल्पना करके आप लिखने के लिए ट्राई करो ओके ना, ट्राई कर सकते हैं आप भी। चित्र देखने के बाद थोड़ा समझ में आए तो जैसे भी समझ में आता है आसान बन जाएगा ओके ना। एक दूसरे से ऐसा बातें कर रहे हैं कि दूसरों से ऐसा करने के लिए सोच रहे हैं, अलग अलग करने के लिए। बच्चों आप अलग अलग करने के लिए चाहते, सातवीं कक्षा में आप क्या करने के लिए चाहते हैं? अच्छा अंक पाने के लिए, फर्स्ट रैंक पाने के लिए। स्कूल में प्रतियोगिता होते रहते हैं, कॉम्पिटिशन में आपको पार्टिसिपेट करके प्रतियोगिता में भाग लेके आप भी थोड़ा अवार्ड लेने के लिए जीत अवार्ड और क्या कहते रहते हैं वो प्रतियोगिता में आपको अच्छा आने वालों को अवार्ड देते रहते हैं, जीतने वालों को क्या करते रहते हैं? अवार्ड देते रहते हैं, पुरस्कार देते रहते हैं। आप भी ऐसा करने के लिए सातवीं कक्षा में आपको बच्चों का मन ऐसा करने के लिए चाहता है ओके ना। छात्रों के लिए सूचना भी दिया गया है, पाठ्य चित्र देखिए, सीधा पिक्चर चित्र के आधार पर कल्पना कीजिए चित्र में क्या है, चित्र में क्या क्या है, चित्र में क्या क्या है आप भी थोड़ा कल्पना करके पाठ में क्या बताया गया हो, पाठ्य बारे चित्र के आधार आपके बच्चों आप भी
उड़ने के लिए, तैरने के लिए, दौड़ने के लिए, ये बच्चों की मन चाहता है। बच्चों की मन, छोटे बच्चे हैं ना, आप भी जो हवाई जहाज रैकेट आसमान देखने को, आप भी थोड़ा ऐसे करने के लिए, तितली की तरह आप भी वो दूर दूर तक उड़ने के लिए, बच्चों की मन अलग अलग करने के लिए चाहता है। सो ऐसा ही बच्चों आपका मन छोड़े छोटे से रविंद्र विक्रम ने बताया है कि बच्चों की मन क्या करने के लिए चाहता है, ये पाठ में समझाया गया है। यह कविता पढ़िए, समझ में नहीं आया तो शब्दों का क्या करना है, वाक्यों के नीचे रेखांकित करना है, वाक्यों के नीचे रेखांकित करना है। समझ में नहीं आने वाले शब्दों का क्या करना है, पेंसिल से अंडरलाइन करके वो वर्ड्स को शब्दकोश में ढूंढना पड़ना है, कंपल्सरी ढूंढना पड़े तो आप कंपल्सरी समझना होगा, आसान बन जाएगा। मीनिंग समझ में आए तो कंपल्सरी लेसन भी समझना आसान बन जाता है। आप भी वर्ड से भी लिख सकते हैं, वर्ड से लिखने के पहले सेंटेंस फॉर्मेशन आना है, सेंटेंस आने को लैंग्वेज आना है, लैंग्वेज सीखने के लिए क्या करना है, हिंदी पत्र पत्रिका पढ़ना है, चैनल देखना है, हिंदी अध्यापक से हिंदी पर अध्यापक गणों से हिंदी में बातचीत करना है और हिंदी चैनल देखना है, माँ बाप से हिंदी में बात करना है, आजू बाजू में हिंदी लोगों से हिंदी में बातचीत करना है। इतना करे तो हिंदी भी आसान बन जाएगा, हिंदी लैंग्वेज भी इम्प्रूवमेंट होगा। हिंदी सीखने के लिए करना है, हिंदी सीखने के लिए रोज प्रैक्टिस करना है। मुझे हिंदी नहीं आता सर, आराम बैठे तो कुछ नहीं आएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करे तो आसान बन जाएगा। कम्युनिकेट करना है, दूसरों से बातचीत करना है, करे तो हिंदी आसान बन जाएगा। हिंदी पूरा लैंग्वेज आए तो आप भी उन से भी लिख सकते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, ये कविता पढ़िए, समझ में आने वाला तो क्या करना है, वाक्य के नीचे रेखांकित करना है, समझ में आने वाला शब्दों को क्या करना है, वाक्यों को मित्रों से चर्चा करें, मित्रों से चर्चा करना है। अभी टाइम नहीं, क्लास में नहीं है ना, आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग क्लासेस है तो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे, आप घर में ही है, मित्रों से चर्चा करते घंटे पर फोन में बातें करने के लिए टाइम नहीं है आपको, लेकिन आप क्या करना है, शब्दकोश में ढूंढना पड़ेगा। शब्दकोश मीन्स टेक्स्टबुक बैक साइड दिया गया है, और आप भी डिक्शनरी रिटर्न करें तो हिंदी का डिक्शनरी में ढूंढे तो कंपल्सरी समझ में आता है, आसान बन जाएगा। ओके ना, समझ में आने वाले शब्दों को शब्दकोश में ढूंढिए, आपका काम है। ए आपको इंट्रोडक्शन पार्ट है, आपको मन करता है सो मन करता है पार्ट सभी को समझ में आ गया है। इंट्रोडक्शन पार्ट है, आज इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको थोड़ा मैंने समझा आपको लेसन के क्षेत्र के बारे में और छात्रों के लिए सूचना के बारे में मैंने समझाया, आपको बच्चों समझ में आ गया। मैंने लास्ट क्लास में आपको पूरा बेसिक्स के बारे में समझाया, बेसिक परफेक्ट आप अच्छे से प्रैक्टिस करो और वचन बदलना, लिंग बदलना। ओके ना, नेक्स्ट आपको गिनती नंबर्स भी दिए है। सो आज का लेसन मन करता है, आपका मन क्या करने के लिए, आपका मन क्या करने के लिए चाहता है। सो आप भी आप मन से भी लिखने के लिए ट्राई करो, मेरा मन ये करने के लिए चाहता है। सो बच्चों ये चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, ये चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, अरे पिक्चर क्या है, समझ में आया नहीं आया। सो रैकेट पैरस सूर्य दिख रहे हैं, सो रैकेट दिख रहे हैं, तारे दिख रहे हैं, ओके ना, और फूल दिख रहे हैं, और पत्ते दिख रहे हैं, पतंग दिख रहे हैं। पतंग कैसे बन रहा है, पतंग धागे के सहारे, पतंग रंग बिरंगे होते रहते, पतंग के बारे में लिखोगे तो पतंग के बारे में, पतंग रंग बिरंगे होते रहते, पतंग जितने रंग है अपने रंग बिरंगे डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट कलर्स रहते हैं, धागे के सहारे आसमान में उड़ाए जाते हैं पतंग। कागज से स्वयं भी हम बना सकते हैं ना पतंग को, पतंग धागे के सहारा आसमान, ये संक्रांति के समय त्योहार के समय बच्चों को बहुत खुशी से आसमान में उड़ाए जाते हैं। बच्चों समझ में आया बच्चों पतंग के बारे में, पतंग के बारे में आपका होमवर्क क्या है, कल का और नेक्स्ट होमवर्क को कल का होमवर्क पतंग के बारे में लिखिए, पतंग के बारे में लिखिए, पतंग के बारे में, पतंग के बारे में लिखिए, पतंग के बारे में लिखिए, पतंग के बारे में, पतंग कितने रंग बिरंगे होते रहते, पतंग आसमान में उड़ाया जाता है, धागे के साथ आसमान में उड़ाया जाता है, स्वयं भी हम बना सकते हैं। वर्कबुक में आंसर है आपकी, आप पढ़कर एक बार बिना देखे लिखना है, ओके ना, रंग बिरंगे होते हैं आसमान में, संक्रांति के त्यौहार के आसमान में उड़ाए जाते हैं। ओके समझ में आ गया बच्चों, कल का होमवर्क क्या है, पतंग के बारे में लिखिए, पतंग के बारे में आपको कितने
अच्छा से लिखो, ओके ना, होमवर्क बुक में लिखो, होमवर्क बुक नहीं तो रफ बुक में लिखो, बार बार आप प्रश्न पूछ रहे, मैसेज भेज रहे, होमवर्क में लिखना है, रफ बुक में लिखना है। सो आपको होमवर्क चाहिए तो होमवर्क बुक में, नहीं चाहिए तो होमवर्क बुक में लिखना है, और नहीं तो रफ बुक में, तो रफ बुक में लिखना है। अच्छा से लिख के आपका नाम क्लास लिख के भेजना है, ओके ना, समझ में आए बच्चों? धन्यवाद बच्चों।